गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जीके का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्ट ऑन नवंबर 26 सिक्स में अडोप्ट किया था एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी का इफेक्ट कब पड़ा था जनवरी ट्वेंटी सिक्स में इट वाज इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी इसमें क्या क्या डिक्लेयर गया था सर्विजन यानी कि प्रभुता सोशलिस्ट समाजवादी धर, आ, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रजातंत्रिक गणतंत्रता एशरिंग इट्स सिटीजन्स ऑफ जस्टिस न्यायपालिका इक्वलिटी बराबरता एंड लिबर्टी स्वतंत्रता इनके प्रयासों को क्या किया गया था प्रमोट किया गया था ठीक है जैसे कि अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आंसर द फॉलोइंग डैश वाज द डैश वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन था जिसने फर्स्ट कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट की थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डैश वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चेयरमैन कौन था डायरेक्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी का, का चेयरमैन कौन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन ईयर डैश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कम इन कब आई थी 1950 में द ओनली स्टेट इन इंडियन टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन अपने जैसी कौन सी स्टेट है जिसके सेम आपके कॉन्स्टिट्यूशन से है कॉन्स्टिट्यूशन है कौन सी स्टेट है जम्मू कश्मीर डैश ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कितनी कैटेगरीज फंडामेंटल राइट आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स डैश फंडामेंटल ड्यूटीज द सिटीजन आर इन प्रॉपर इन आर्टिकल फिफ्टीन ए पार्ट फोर थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे इलेवन डैश इज द मिनिमम एज ऑफ सिटीजन टू कास्ट वोट एट द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा कितनी एज में आप वोट अपना दे सकते हो एटीन ईयर्स में एट द टाइम ऑफ कमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कितने आर्टिकल है थ्री नाइनटी फाइव अकोर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया विशिज टू रिजाइन ही शुड एड्रेस इज रजिस्ट्रेशन लेटर टू अगर क्या भारतीय इस सभ्यता के अनुसार अगर कोई प्रेजिडेंट अपना रिजाइन देता है तो कौन उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है किसका होता है दी वाइस प्रेजिडेंट का आर्टिकल सेवनटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल सेवनटीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया विच वॉज अडोप्ट विद द स्लोगन महात्मा गांधी की जय डील विद किस आर्टिकल सेवन में क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी नेक्स्ट हम चैप्टर करेंगे सेकेंड चैप्टर इसमें क्या बताना है फर्स्ट अमंग इंडियन जो हमारे इंडियंस थे फर्स्ट नेम द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था हरिलाल जे केनिया नेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ ब्रिटिश प्रिवाइंस लॉर्ड एस पी सिन्हा नेम द फर्स्ट इंडियन इन स्पेस राकेश शर्मा लीडर राकेश शर्मा Name the first Indian woman, women to con conquer the Mount Everest County, Pal. Name the first woman judge of Supreme Court, Fatima B.V. Name the first president of Indian National Congress, V.C. Banerjee. W.C. Banerjee, sorry. W.C. Banerjee. Name the first Indian Air Chief Marshal, Arjun Singh. Name the first scientist, टू गेट भारत रत्न अवॉर्ड सी वी रमन नेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट नेम द फर्स्ट इंडियन टू विनोबल प्राइज किसने रविंद्रनाथ टेगोर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्ड थर्ड में देखो हम क्या करते हैं फेमस इंडियन रिवर्स के बारे में बात करेंगे ठीक है वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाटर हमारे लिए हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है रिवर्स आरदा लाइफ लाइन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स रिवर जो है ह्यूमन है सिविलाइजेशंस सिविलाइजेशन ऑन द बैंक्स ऑफ द ग्रेट रिवर ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स इन इंडिया आर रिवर प्रेड एंड आफ्टर अब हम सब कुछ रिवर्स के बारे में पत, आ, डिस्कस करेंगे फर्स्ट आती है गंगा रिवर इट इज द मोस्ट स्के बहुत एक मोस्ट धार्मिक इंडिया की रिवर है दी रिवर हैज इट सोर्स एट गुरुमुख इंदा साउथरन हिमालय इसका सोर्स क्या इस रिवर का गुरुमुख इंदा साउथरन हिमालय नेक्स्ट है यमुना रिवर इट इज ओरिजिन इन सप्तऋषि कुंड इसका जन्म कहाँ हुआ था सप्तऋषि कुंड में आ ग्लेशियल लेक इन द हिमालय इट हैज एसोसिएशन विद लॉर्ड कृष्णा में ये कहाँ पे है ये लेक हिमालय में है ठीक है त, तपती रिवर ताप्ती सॉरी ताप्ती रिवर इट ओरिजिंट इन द एस्टर्न सतपुरा रेंज ऑफ साउथर्न इसका जन्म कहाँ हुआ था सतपुरा साउथर्न मध्य प्रदेश सतपुरा में मध्य प्रदेश एंड फ्लो इसका फ्लो कहा जाता है ये कंट्री के सेंटर पार्ट में फ्लो करती है इट टेम्प्ट इन टू द अरेबियन सी नियर सूरत इन गुजरात और ये कहा खाली होती है अरेबियन सी नियर सूरत इन गुजरात सतलुज रिवर सतलुज सतलुजेंट्स नियर माउंट कैलाश इसका जन्म कहाँ हुआ था माउंट कैलाश में के नजदीक इट इज द लॉन्गेस्ट ऑफ फाइव रिवर्स डेट फ्लो अक्रॉस पाकिस्तान एंड नॉर्थ इंडिया ये बहुत लंबी पांच नदियों से भी लंबी रिवर नदी है इसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया से तक महानदी रिवर इट ओरिजिन फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ इसका जन्म कहाँ हुआ था छत्तीसगढ़ में एंड इसका फ्लो कहाँ जाता है थ्रो उड़ीसा टू रीच द बे बंगाल नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर इट इज नॉट जस्ट द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया ये, ये नहीं है कि एक बड़ी ही नदी है बट ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट रिवर्स ऑफ साउथ एशिया ये साउथ एशिया की बहुत महान नदी है इट ओरिजेंट्स इन द कैलाश रेंज ऑफ द हिमालय इसका जन्म कैलाश रेंज हिमालय में हुआ था नेक्स्ट है नर्मदा रिवर दिस ट्रिंकली ब्यूटीफुल रिवर इज इन वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ इंडिया यह बहुत ही अदृश्यपूर्ण बहुत सुंदर नदी है इट टू रिजेंट द माउंटेन सीरीज ऑफ माइकल इन मध्य प्रदेश का जन्म कहाँ हुआ था माइकल इन मध्य प्रदेश में यह बहुत सुंदर नदी है इसका जन्म कहाँ हुआ माइकल इन मध्य प्रदेश नेक्स्ट है कृष्णा रिवर इट इज द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया ये भी एक बहुत बड़ी नदी है द कृष्णा रिवर रिजेंट इज इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इसका जन्म कहाँ हुआ वेस्टर्न घाट्स में एंड फ्लो थ्रो द थ्री स्टेट्स इसकी फ्लो कहाँ कहाँ कौन सी स्टेट तीन स्टेट में जाती है महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश कवरिंग ऑन एरिया ऑफ थ्री थर्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स का एरिया इसका कवर होता है नेक्स्ट आती है कावेरी रिवर इट इज़ आल्सो नोन एज द गैजेट्स ऑफ साउथ इसको और क्या बोलते हैं गैंग्स ऑफ साउथ यू रीजन ऑफ दिस रिवर इन इंडिया लाइज इन स्प्रिंग इन द ब्रह्मगिरी माउंटेन्स इन माइशोर इसका जन्म कहां हुआ था ब्रह्मगिरी माउंटेन्स इन माइशोर में गोदावरी रिवर इट रिज इन त्रिंबक इन नासिक इसका जन्म कहा हुआ नासिक के त्रिम्बक में हुआ था महाराष्ट्र में इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया ये साउथ इंडिया की बहुत बड़ी नदी है नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर है फोर चैप्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क ठीक है कौन कौन से हमारे नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है मध्य प्रदेश में यहाँ क्या पाया जाता है व्हाइट टाइगर्स लियोपर्ड्स एंड बियर्स नेक्स्ट है हमारा कांजी, रंगा नेशनल पार्क और ये इसमें क्या पाया ये कहाँ पे है असम में इसमें क्या पाए जाते हैं रैनकर एस्ट्रन स्वैम्प एंड वाइल्ड बोर नेक्स्ट है हमारा कोरबेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है नेशनल उत्तराखंड में इसमें कहा इसमें क्या क्या पाया जाता है टाइगर एलिफेंट एंड घड़ियाल नेक्स्ट है हमारा रनथम्बोर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है राजस्थान में यहाँ पे टाइगर लियोपर्ड एंड वाइल्ड बोर नेक्स्ट है हमारा गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है जूनागढ़ गुजरात में इसमें क्या पाया जाता है लियोपोर डियर टाइगर लॉयन एंड सांभर नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये कहाँ है सुल्तानपुर गुड़गांव में अ लार्ज रेंज ऑफ मेजोरिट्री एंड अदर वाटर बर्ड्स यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका ओ oh, सॉरी बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है कर्नाटका में इसमें क्या मिलता है इसमें इंडियन एलिफेंट्स टाइगर्स गर्ड्स एंड साउथ स्लोथ बियर्स मिलते हैं नेक्स्ट है हमारा सतखेड़ा वे सॉरी सुंदर बैन सुंदरबैन नेशनल पार्क ये कहाँ मिलता है सतखेड़ा वेस्ट बंगाल में इसमें टाइगर्स कैट्स वाइल्ड बोर एंड इंडियन ग्रे मोनगूज नेक्स्ट है हमारा मानस नेशनल पार्क ये कहाँ पे आसाम में यहाँ पे वाइल्ड बुफालो गोर होग डियर एंड ब्लैक पेंथर पाए जाते हैं नेक्स्ट है हमारा काना नेशनल पार्क इस ये कहाँ पे है मध्य प्रदेश में टाइगर फोक्स वाइल्ड डॉग स्वैम्प डियर जैकल नेक्स्ट है हमारा दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे मिल है लखीमीपुर यूपी में इसमें क्या का, इसमें पार्क में क्या पाए जाते हैं टाइगर स्वैम्प डियर एंड रेन कोर्स ठीक है आज हम ये चैप्टर फोर चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं अपनी बुक में थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे